अंजनगांव, सुरजी, अकोट, अचलपुर, जलगांव, जामोल के क्षेत्र में बीते 40-50 सालों से पान पिपरी यह बनौषधि की उपज लगाते हैं। इस फसल के भरोसे ही इस क्षेत्र के किसानों का उदय निर्वाह चलता है, लेकिन गए 4-5 सालों से ये फसल निसर्ग के कोप से बर्बाद होती जा रही है। गए 2007-2008 में इस फसल को शासन की तरफ से 2 साल लगातार अनुदान मिला, लेकिन 2011 में इसका अनुदान शासन ने बंद कर दिया। उस बारे में जब से लगातार बनौषधि उत्पादक किसान सतत शासन स्तर पर पत्र देते रहे। महीने में 23/7/2019 को माननीय कृषि मंत्री अनिल जी बोंडे इनके उपस्थिति में और हमारे आमदार रमेश जी बुंदेले इनके उपस्थिति में मुंबई एक बैठक बुलाई गई। उसमें उन्होंने हमको कबूल किया कि 15 दिनों के अंदर हम तुम्हारे खाते में 2017-18 का अनुदान आपको खाते में दिया जाएगा, मगर उसको भी 2 महीने हो गए। 2 महीने के बाद भी उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। इस वजह से हमने कल तहसीलदार साहब से निवेदन देके उनको अवगत किया कि ये कभी तो हमारे को अभी 1-2 दिन के अंदर अनुदान नहीं मिला तो हम जैसा हम आज से उपोषण को बैठेंगे, उस उपलक्ष्य में हम आज सब पान पिपरी अनौषधि के उत्पादक शेतकरी करके यहाँ उपोषण को बैठे। जब तक हमको ये शासन के तरफ से लिखी आश्वासन और उसके बाद में अनुदान हमारे काश्तकारों को नहीं मिलेगा, जब तक हमारा ये लड़ा चालू रहेगा। इसकी सब कुछ कम ज़्यादा कभी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी वो प्रशासन पर रहेगी, ऐसा हमारा सब काश्तकारों का कहना है। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।